हमारी जो मूवी है वो राजस्थान से बड़ा हुआ था। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। पाकिस्तान से चार बच्चों के साथ भारत आकर के सचिन मीणा से ब्याह रचाने वाली सीमा हैदर के लिए आज दो अच्छी खबरें आईं। एक खबर आई गुजरात के कारोबारी के यहाँ से कि सचिन मीणा और सीमा हैदर दोनों को 6-6 लाख के पैकेज की नौकरी ऑफ़र की गई है। यही नहीं, उन्हें ऑफ़र लेटर भी भेज दिया है कंपनी ने। दूसरी अच्छी खबर आई कि जॉनी फायरफॉक्स प्रोडक्शन हाउस ने सीमा हैदर के लिए फिल्म में रोल ऑफर किया है और इस प्रोडक्शन हाउस की टीम सीमा हैदर के घर पहुंची, जहां पर उनका ऑडिशन लिया गया। आप वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से प्रोडक्शन हाउस की टीम सीमा हैदर से मिल रही है। सीमा हैदर खुश नज़र आ रही हैं, काफ़ी सजी धजी हुई हैं। ये वीडियो देखिए। हमारी जो मूवी है वो राजस्थान से बड़ा हुआ था। उदयपुर चंदीला टेलर का वो टेलर था। इसकी पुष्टि प्रोडक्शन हाउस के जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने भी की है। अमित जानी उनका नाम है कि सीमा हैदर को उन्होंने ऑफर किया है। ये फिल्म जो है वो कन्हैयालाल साहू की हत्या पर आधारित है। फिल्म का नाम है ए टेलर मर्डर स्टोरी। उसमें सीमा हैदर को ऑफर किया गया है रॉ एजेंट के रोल के लिए। इससे पहले प्रोडक्शन हाउस की टीम ने सीमा हैदर के जितने भी वीडियो थे इंस्टा वगैरह पे उसको देखा और उसके बाद सीमा हैदर से बातचीत की। उसे फिल्म में रोल निभाने के लिए जो का रोल मिलने जा रहा है, अमित जानी ने खुद ट्वीट करके इसकी पुष्टि की है और ये भी कहा है कि सीमा हैदर को इसकी बकायदे फीस भी दी जाएगी ताकि वो आर्थिक संकट से उबर सके। बस अब फिल्म के मिलने में और सीमा हैदर के बीच में एक कड़ी है कि एटीएस एनएससी दे दे, क्योंकि अभी भी एटीएस उनकी जांच कर रही है और उन पे नज़र बनाए हुए है। इसलिए एटीएस की मंजूरी ज़रूरी होगी, अदरवाइज प्रोडक्शन हाउस और सीमा हैदर दोनों मुश्किल में आ जाएंगे। तो देखने वाली बात यह है कि एटीएस का क्या रुख रहता है। बहरहाल सीमा हैदर के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।